हाय फ्रेंड्स, ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे फॉर 3 ईयर बेबी के लिए। तो यहाँ पे मैंने येलो प्लांट फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट की शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचिस और यहाँ से नीचे टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे 11 इंचिस। नीचे की चौड़ाई भी हमें 5 इंचिस लेना है। अब ऊपर से नीचे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचिस। और यहाँ से नीचे नेक की लंबाई लेंगे 5 इंचिस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। फ्रंट और बैक का टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब इसी लैप की लाइनिंग हम कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह रख के हमें इसे एजरिंग कट कर लेना है। इस तरह मैंने दो दो लेयर कट कर लिए हैं। अब बॉटम पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह सिंगल फैब्रिक बिछाया है। इस तरह के दो लेयर हमारे पास है। इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंचिस और चौड़ाई हम लेंगे 41 इंचिस। इस तरह के दो लेयर हमारे पास है। दोनों लेयर के ऊपर की बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब एक तरफ से हमें यहाँ से एक धागे को अलग करेंगे और इस तरह खींचेंगे। इस तरह खींच के गैदरिंग बनाएंगे दोनों लेयर में। इस तरह की गैदरिंग हमने बना ली है। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें वन साइड अटैच कर लेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट को हमने मिला लिया है सेंटर में से सिलाई लगा के। अब ऊपर की तरफ हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 5 इंचिस और इस स्ट्रिप को हमें अटैच करना है। इस स्ट्रिप को बैक साइड से अटैच करेंगे। बैक साइड से अटैच कर लिया है। अब इसे राइट साइड इस तरह टर्न करेंगे और बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने टॉप पार्ट लिया है। टॉप पार्ट को दोनों राइट पार्ट को मिलाते हुए हमें शोल्डर अटैच करना है। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें रफल अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के दो स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचिस और लेंथ हमने ली है 18 इंचिस।
दोनों स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग तरफ की लेंथ पूरी रखनी है और आउटसाइड से हमें इस तरह राउंड से देते हुए ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। दोनों पार्ट की ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है और नीचे के राउंड शेप में हमें इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो ये देखिए, हमने दोनों पीस के नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और ऊपर की तरफ हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगाई है। और यहाँ से हम एक धागे को इस तरह अलग करके खींचेंगे, इस तरह खींच के गैदरिंग बनाएंगे। दोनों लेयर में हमने इस तरह रफल बना लिया है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड रखेंगे और इसे इस तरह उल्टा रख के हमें इसे अटैच कर लेना है। इस रफल को अटैच करने के बाद इसकी लाइनिंग, टॉप पार्ट की लाइनिंग हमने ली है। इस दोनों पीस को मिलाएंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे इसके ऊपर रखना है। मेन पार्ट को हमने राइट साइड रखा है, उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को उल्टा रखते हुए दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है टॉप पार्ट को। अब इसके साथ हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट है, इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। सेंटर मार्क के इस तरफ हमें बैक का टॉप पार्ट अटैच करना है। सेंटर मार्क से इस तरफ 4 इंचेस और इस तरफ भी 4 इंचेस का मार्जिन रखना है और इसके बाद इस टॉप पार्ट को रख के सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने बैक का टॉप और बॉटम अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट के नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे भी सेंटर में मार्क कर लेंगे। दोनों सेंटर मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। यह कट हमने 7 इंचेस की लेंथ लेके कट किया है। अब कट पे हमें इस तरह की 2 स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरफ की स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस और इस तरफ की स्ट्रिप हमने 3 इंचेस लिया है। इस स्ट्रिप को हमें अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरफ की स्ट्रिप को हमने अटैच कर लिया है इस तरफ फोल्ड करके हुए। अब यहाँ पे बड़ी स्ट्रिप अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद इस बॉर्डर पे रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह टर्न करेंगे और ऊपर से यहाँ पे बॉर्डर पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसे अंदर की तरफ करेंगे। इस तरह अंदर की तरफ करके
दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और नीचे से हल्का सा सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब नेक पे हम क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप अटैच करेंगे जिसकी चौड़ाई है 1 इंचीस। यहाँ से हल्का सा फैब्रिक को फोल्ड करके पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। नेक पे हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब फ्रंट पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस बॉटम पार्ट को इस तरह टर्न कर लेंगे। बॉटम का दोनों लेयर को मिलाते हुए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और टॉप का पार्ट है इसे इस तरह टर्न करके बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस बॉटम पार्ट के इस लेयर के ऊपर इसे अटैच कर लेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह यह फाइनली हमने फ्रॉक रेडी कर लिया है 4-3 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।